गैस, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर मुझे नई स्कूटी दिला देना, मेरे पापा मुझे एक नया फोन दिला रहे हैं, वो तुमको कुछ नहीं दिलाएगा, मैंने उसे एक लैपटॉप दिलाई थी। गैस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है दिलाना। किसी चीज दिलाना, इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं गेट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है गेट एज अ मेन वर्ब, और लास्ट में अदर वर्ड। मैं आपको और एक चीज बता दूं, गेट एक मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि गेट, गॉट, गेट्स, गेटिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे जन्मदिन पर मुझे नई स्कूटी दिला देना, गेट मी अ न्यू स्कूटी ऑन माय बर्थडे, गेट मी अ न्यू स्कूटी ऑन माय बर्थडे। मेरे पापा मुझे एक नया फोन दिला रहे हैं, माई डैड इज गेटिंग मी अ न्यू मोबाइल, माई डैड इज गेटिंग मी अ न्यू मोबाइल। वो तुमको कुछ नहीं दिलाएगा, He will not get you anything. He will not get you anything. मैं आपको एक साइकिल दिला रहा हूँ, I am getting you a bicycle. I am getting you a bicycle. उसने मुझे कुछ नहीं दिलाया, He did not get me anything. He did not get me anything. कभी तो कुछ दिला दिया करो, Do ever get me something? Do ever get me something? मैंने उसे एक लैपटॉप दिलाई थी, I got him a laptop. I got him a laptop. मुझे नए जूते दिला दो, Get me new shoes. Get me new shoes.